अच्छा, तो अभी तक क्या देखे? हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो, नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल क्यू के नाम से क्या लग रहा है? नाम सुनकर ही ऐसा लग रहा है जो बहुत सारा क्यू है, एक से ज्यादा, मोर देन वन क्यू है इसमें। तो क्यू क्यों होगा? प्रोसेस को शेड्यूल करना होगा, रन करवाना होगा, इसीलिए क्यू रहता है। तो देखो कैसा डिजाइन होगा इसका। देखो इस तरह का डिजाइन होगा, मान लो एम क्यू लिखते हैं, एम क्यू वन, एम क्यू टू, एम क्यू थ्री, एम क्यू फोर। प्रोसेस यहां आया, कंप्लीट हुआ, यहां आया, कंप्लीट हुआ, यहां आया, कंप्लीट हुआ, यहाँ आया, कंप्लीट हुआ, होना यही है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है इसमें। क्या रिस्ट्रिक्शन है? जो टॉप में जो क्यू होगा, टॉप क्यू के लिए हो गया, इंक हो गया। चलिए देखो, तुम लोग रेड पेन का इंक हम भरवाए हैं, अच्छा से पढ़ो। देखो इसमें क्या है, टॉप क्यू के लिए क्या होगा, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा, जिसका प्रायोरिटी हाइयर होगा, हाई हाई प्रायो प्रोसेस शेड्यूल्ड एट टॉप लेवल क्यू। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जो टॉप लेवल में रहेगा, नीचे क्या रहेगा? लो प्रायोरिटी रहेगा ऑब्वियसली। नीचे की ओर जाएंगे तो लो प्रायो प्रोसेस होगा, मतलब हायर प्रायोरिटी का है जो ऊपर रहेगा, लोअर प्रायोरिटी का नीचे रहेगा। एक और चीज है, एग्जीक्यूशन जो ये स्टार्ट होगा वो टॉप लेवल से ही होगा। मतलब क्या, ब्लू से लिखते हैं, चलो। मतलब क्या लिख देते हैं, यहां ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, जो एग्जीक्यूशन है जो स्टार्ट होगा ऊपर से ही, इस लेवल में होगा, फिर उसके बाद ए लेवल में हुआ, फिर उसके बाद ए लेवल में, फिर उसके बाद ए लेवल में आकर हुआ, हो गया। एक और चीज इसमें क्या है कि अगर इस लेवल में एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यहां लिख लो आफ्टर After completion of top level queue,
बॉटम लेवल एग्जीक्यूटेड और शेड्यूल्ड। जब टॉप लेवल क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉप लेवल क्यू बॉटम लेवल एग्जीक्यूटेड और शेड्यूल्ड, मतलब कि जब टॉप लेवल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब टॉप लेवल कंप्लीट हो जाएगा तभी नीचे वाले का चांस आएगा। तो टॉप लेवल में रहेगा कौन, टॉप लेवल किसके लिए है, टॉप लेवल वीवीआईपी के लिए है। वीवीआईपी कौन है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस शेड्यूल्ड एट टॉप लेवल। तो बोलो सब टॉप में चला गया तो दो ही क्यू रहना चाहिए, नहीं, इसलिए मल्टी लेवल है। मान लो यहां पर 8 प्रायोरिटी का कोई है तो यहाँ 6 प्रायोरिटी का है, तो इससे भी तो कम हो सकता है। मान लो कोई 5 प्रायोरिटी है, इसका प्रायोरिटी 2 है, हम क्या बोल रहे हैं 8 है जो हाई प्रायो है, बोल दिए सबसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वही हाई प्रायोरिटी को बता रहा है, डिनोट कर रहा है हाई प्रायोरिटी को जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हो गया, मल्टी लेवल क्यू है। तो मान लो किसी का प्रायोरिटी 8 है, यहां पर आया, कंप्लीट हुआ, फिर इसको चांस मिला दूसरे वाले क्यू को जिसमें कि प्रायोरिटी 6 का प्रोसेस है, मिला चांस। फिर जब ए कंप्लीट हुआ तब इसको चांस मिला, जब ए कंप्लीट हुआ तब इसको चांस मिला, समझ रहे हो, यही है मल्टी लेवल क्यू। लेकिन इसमें एक और चीज देखो ध्यान से, क्या मान लेते हैं 8 प्रायोरिटी वाला टॉप लेवल में है, ये जैसे ही कंप्लीट होने वाला था उसके जस्ट पहले एक प्रोसेस है जो 7 प्रायोरिटी का आ गया, तो इससे तो ऊपर रहेगा वो। मान लो जब 7 कंप्लीट होने वाला है तब यहाँ पर 10 प्रायोरिटी का आ गया, फिर मान लो 11 का आ गया, फिर 9 ही आ गया, रिपीट कुछ भी, तो 6 से ग्रेटर देन 6 का प्रायोरिटी का आया यहाँ पर। मानते हैं कि यहाँ जो आया प्रोसेस वो ग्रेटर देन 6 प्रायोरिटी का आया, तो क्या होगा, इसके ऊपर ही सब प्रोसेस आएगा। अब जो ऊपर में जो प्रोसेस रहता है सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट होना है, ये बात भी पक्का है। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको मौका नहीं मिलेगा, तब तक चांस नहीं मिलेगा इसको। तो टॉप लेवल में अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते जाएगा तो इसको चांस नहीं मिलेगा ना, तो क्या होगा, इसका चांस नहीं मिला रन करने का, ये तीनों को चांस नहीं मिला, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टार्वेशन, चांस नहीं मिला ना। मान लो हाईर प्रायोरिटी प्रोसेस आते जा रहा है तो नीचे वाले को चांस ही नहीं मिला, तो इसी को स्टार्वेशन बोलेंगे, समझ रहे हो बात ना। चलो यही है मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू का मतलब यही है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसका स्टार्वेशन होता है। नीचे में कौन है, नीचे में लो प्रायो प्रोसेस, लो प्रायोरिटी था ना, तो इसका क्या हो गया, इसका स्टार्वेशन हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया, मल्टी लेवल क्यू में ही थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया, क्या मल्टी लेवल फीडबैक क्यू आया है। तो देखेंगे उसमें क्या ऐसा है, तो इसमें एक और चीज क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक और कंसेप्ट आया क्या, देखो यहां पर लिखते हैं, नीचे वाले को ही हटा दो। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा लो प्रायोरिटी प्रोसेस के भी फेवरेबल बनाने के लिए एक कंसेप्ट आया इसमें, किससे लिखे हैं, रेट से ही लिखते हैं। चलो
एक और इसमें टेक्निक आया, ऐड हुआ क्या, एजिंग। एजिंग एक टेक्निक लाया गया। एजिंग क्या कहता है, एजिंग का बोलना है क्या, जो प्रोसेस जितना ज्यादा वेट करेगा उसका प्रायोरिटी हम बढ़ाते जाएंगे। रिस्पॉन्स रेशियो में क्या हुआ था, जो ज्यादा वेट कर रहा था उसका रिस्पॉन्स रेशियो हायर हो रहा था, तो कन्फर्म था कि स्टार्वेशन नहीं होगा। कोई ज्यादा देर वेट किया उसका रिस्पॉन्स रेशियो हाई होगा, उसी डील हो जाएगा। सेम यहां भी एजिंग क्या बोल रहा है, एज मच द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस प्रायोरिटी इंक्रीजेज। मतलब क्या, वेटिंग टाइम जैसे ही इंक्रीज होगा, मतलब वेटिंग टाइम कैसे इंक्रीज होगा, ऊपर में नया नया प्रोसेस आते जा रहा है, यहाँ वेट करना पड़ रहा है, जिसका प्रायोरिटी 6 था, वेट करना पड़ रहा है ना, वेटिंग टाइम बढ़ गया ना, तो वेटिंग टाइम बढ़ेगा अगर तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो इसका वेटिंग टाइम जब बढ़ा रहे थे तो पहले क्या था, जब एजिंग नहीं था तब क्या था, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है तब भी यहाँ ही वेट कर रहा है, अब क्या होगा, इसका वेटिंग टाइम बढ़ा रहे हैं, इसका प्रायोरिटी बढ़ के 6 था ना पहले, अब 6 से इसका प्रायोरिटी बढ़ के बन गया 7। फिर थोड़ा देर और अगर वेट करवा दिए तो ये बन गया 8, फिर और वेट करवाए ये बन गया 9, फिर 10, ये क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा क्योंकि तो प्रायोरिटी हाई हो गया ना, प्रायोरिटी हाई होगा ऊपर वाले क्यू में चला जाएगा ये और एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एजिंग टेक्निक लगाने के बाद मल्टी लेवल क्यू में स्टारवेशन नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, ऐसे स्टारवेशन हो रहा था, एजिंग के बाद नहीं होगा, यही है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। नहीं, मल्टी लेवल क्यू फीडबैक क्यू अभी और आएगा, उसमें बस सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा लिटिल। तो एजिंग को याद रखना है, देखो कोई यूनिवर्सिटी में है डेफिनेशन पूछा जा सकता है, कोई गेट वेट में भी ऐसा, मतलब कहीं ऑप्शन में दिया जा सकता है, मैचिंग ये सब में कुछ कहीं भी, मतलब याद रखना है और क्या, कंसेप्ट है। चलो एक क्या हो गया, मल्टी लेवल क्यू, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। समझ रहे हो ना, जितना भी कंसेप्ट है, जो भी नया चीज कुछ भी आ रहा है उस चीज को सीखो, क्यों, कोई भी कभी भी यूज आ जाए, एक एग्जाम में नहीं आया किसी और एग्जाम में चला आए, तो अपने पास ऑप्शन बना कर रखना है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया मल्टी लेवल फीडबैक। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या था,
जो चीज अभी देख रहे थे, जो फीडबैक क्यू में बहुत सारा क्यू था, मल्टी लेवल में भी बहुत सारा क्यू होगा, तो क्या होगा? ये देखो बना दिए, ये है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो भाई फीडबैक इसमें क्यों लाए? फीडबैक का क्या जरूरत पड़ गया था आखिर? फीडबैक लाए हैं तो कुछ होगा बात। चलो फिर क्या है? मल्टी लेवल फीडबैक क्यू वन कर दो, यहाँ कर दो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू टू, यहाँ कर दो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू थ्री, यहाँ कर दो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू फोर। एक और चीज यहां लिखो क्या? टाइम क्वांटम टू, टाइम क्वांटम फाइव, टाइम क्वांटम ट्वेल्व। यहां पर क्या है लास्ट में? एफ सी एफ एस, एफ सी एफ एस है यहां पर। मतलब क्या हो गया? पहले प्रोसेस यहां से आया, फिर वो क्या किया एक पार्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए, या टी क्यू वन ऐसे करो, टी क्यू वन, टी क्यू टू, टी क्यू थ्री, एफ सी एफ एस है। पहले जो भी प्रोसेस आया ये फीडबैक क्यू में टाइम क्वांटम टू के लिए एग्जीक्यूट हुआ और वो कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट होगा? जब बर्स्ट टाइम ऑफ दैट प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू, बर्स्ट टाइम ऑफ दैट प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू टी क्यू वन। मतलब क्या है भाई? जब बर्स्ट टाइम इसके टाइम क्वांटम से, इस क्यू के टाइम क्वांटम से कम या इक्वल रहेगा, तब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर नहीं कंप्लीटेड, देखो व्हेन एवर द बर्स्ट टाइम ऑफ एनी प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम इट विल बी कंप्लीटेड, अदरवाइज दैट प्रोसेस विल गो टू नेक्स्ट मल्टी लेवल क्यू, नेक्स्ट क्यू, एंड नाउ द टाइम क्वांटम फॉर दिस इज सेपरेट डिफरेंट। यहां टाइम क्वांटम कुछ और है, यहां टाइम क्वांटम कुछ और है। मतलब कि यहां जो आया बर्स्ट टाइम गेट्स चेंजेज बी टी डैश, कैसे? यहां बर्स्ट टाइम है कुछ भी मान लेते हैं, इसका वैल्यू टू है ना, इसका वैल्यू टू है। तो क्या किए? मान लो एक प्रोसेस है पी, रेड पेन से बनाते हैं, एक प्रोसेस है पी पी वन, जिसका कि बर्स्ट टाइम है 20। इसका बर्स्ट टाइम क्या है? 20 है। तो जब पहला क्यू में आया तो टाइम क्वांटम टू के लिए ये क्या किया? एग्जीक्यूट किया। तो टू के लिए तो एग्जीक्यूट यहां ही कर लिया। यहां पर क्या देखेंगे? टू ग्रेटर देन, नहीं 20, 20 ग्रेटर देन टू। मतलब क्या है? बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन टाइम क्वांटम ऑफ दिस मल्टी लेवल क्यू। इससे क्या हुआ? इसके टाइम क्वांटम के बराबर वो एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब टू यूनिट एग्जीक्यूट कर लिया है।
बाकी बचा कितना 20 माइनस 2, यहाँ लिखो 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। नाउ द फर्स्ट टाइम ऑफ दिस प्रोसेस बिकम्स 18 ओनली। फिर क्या होगा, नेक्स्ट लेवल फीडबैक क्यू में आया कितना फर्स्ट टाइम लेकर 18 लेकर, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही चीज को चेक करेंगे हम लोग जो इज द फर्स्ट टाइम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन टी क्यू टू और लेस देन, तो क्या है यहाँ पर 18 ग्रेटर देन 5, मतलब क्या है 5 यहाँ एग्जीक्यूट होकर फिर से अगले लेवल में जाएगा, वो फिर से लेकर जाएंगे 5 ही एग्जीक्यूट होगा ना। टाइम क्वांटम है, टाइम क्वांटम याद करो कहाँ था, टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आया था ना। टाइम क्वांटम मतलब टाइम स्लाइस टाइम स्लॉट, उतना पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा मैक्सिमम, हाँ उससे कम रहेगा, उससे कम में भी कंप्लीट हो जाए अच्छा बात है, लेकिन अगर उसके टाइम क्वांटम से ज्यादा है बस टाइम तो उतना टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट कर जाएगा और बाकी रेस्ट नीचे फॉलोइंग जो है मल्टी लेवल की उसमें आएगा। तो यहाँ क्या हुआ 18 ग्रेटर देन 5 है ना, तो फिर यहाँ क्या हुआ फिर से ये अगले लेवल में आया। कैसे आया, तो यहाँ पर 18 माइनस 5, 5 तो एग्जीक्यूट हुआ ही है ना, 18 माइनस 5 कल टू कितना हुआ 13 लेकर यहाँ आया, यहाँ क्या बन गया बी टी डबल डैश 13 लेकर आया। अब 13 लेकर आया फिर से एक बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे जो 13 लेस देन 12 नहीं 13 ग्रेटर देन 12 है, तो यहाँ क्या हुआ 13 ग्रेटर देन 12 है, तो क्या होगा फिर से अगले मल्टी लेवल में चला जाएगा। यहाँ कितना लेकर आया है, कितना बस टाइम लेकर आया, यहाँ पर बनेगा इसका बस टाइम बी टी ट्रिपल डैश, कितना वैल्यू इसका है, इसका वैल्यू 13 टोटल था बस टाइम यहाँ आया था 13 लेकर, 12 टाइम क्वांटम यहाँ का है 13 माइनस 12 बचा कितना 1, तो इसका हो गया 1, इसका बस टाइम 1 हो गया। यहाँ पर जाया आया जब तो यहाँ पर देखो टाइम क्वांटम नहीं लिखकर FCFS लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर पॉलिसी है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर से शेड्यूल होकर वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो, बैठते हैं बैठकर बताएंगे वही चीज लेकिन बैठकर, तो देखो एक चीज बोले थे ना आरामदेह थोड़ा सा लाइफ हमको भी पसंद है, फिर बैठकर बताएंगे। तो देखो क्या है, पहला जो Q1 है वहां पर जब बस टाइम ज्यादा था उसके टाइम क्वांटम से, तो क्या किया उतना बस टाइम कंप्लीट करके फिर नीचे वाले क्यू में चला आया, फिर वहां सेम काम किया बस टाइम को उसके टाइम क्वांटम से कंपेयर किया, उससे ज्यादा था तो उतना टाइम क्वांटम एग्जीक्यूट किया है 5 एग्जीक्यूट किया बाकी 13 लेकर यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे ही क्या लास्ट में मिला क्या FCFS मिला। FCFS क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यही है ना। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तो सब जॉब को शेड्यूल करना ही करना है, लेकिन मान लो एक ऐसा केस बन जाए यहाँ पर जो हमेशा जो प्रोसेस आ रहा है, जो भी प्रोसेस नया अराइवल है, नया नया प्रोसेस जो आ रहा है सिस्टम में, उसका बस टाइम लेस देन 5 हो, मान लेते हैं बस टाइम लेस देन 5 हो, ऐसा नया नया 1000 प्रोसेस आया, एज्यूम करते हैं केवल 1000 कंटिन्यूअस आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या होगा पहला प्रोसेस आया टाइम क्वांटम क्या है बस टाइम कितना है लेस देन 5 है, तो 2 एग्जीक्यूट किया बाकी कितना बचा 3 ऐसे आया, यहाँ 5 है मतलब कि 5 से कम है 3 कंप्लीट होगा, यहाँ पर कंप्लीट हो गया फिर से कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ही मैक्सिमम पहुंच रहा है क्यों लेस देन 5 है ना, बस टाइम लेस देन 5 है, तो
यहाँ आगे निकल रहा है, बार बार यही क्यू में एग्जीक्यूशन हो रहा है। नीचे वाले FCFS है, सही बात है, FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लेकिन यहाँ इसको चांस मिले तब तो शेड्यूल कर रहा है, एक क्यू बना कर रखा है, जो पहले आया है क्यू बना कर रखा है, लेकिन चांस भी तो मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूशन का चांस ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू विल ऑल्सो सफर फ्रॉम स्टार्वेशन। किसके लिए? लॉन्ग प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट प्रोसेस कंटिन्यूसली आते रहेगा तो टॉप लेवल में ही उसका एग्जीक्यूशन होते रहना है, टॉप लेवल में ही एग्जीक्यूशन होते रहेगा तो क्या होगा, उसका स्टार्वेशन होगा। तो इसी के लिए था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में इसमें। लेकिन हाँ, एक चीज नोटिस करो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वाला जो था, जो सिंपल फीडबैक क्यू हम लोग बनाए थे, उसमें क्या था कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ आया, लो प्रायोरिटी प्रोसेस नीचे आया था। लो ब्लैक से बनाते हैं, नहीं दिख रहा है, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ आया, लो प्रायोरिटी प्रोसेस के नीचे आ रहा है। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यूसली आते जा रहा है तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को चांस नहीं मिल रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मतलब यहाँ स्टार्वेशन हो रहा था। उसको रिमूव करने के लिए एजिंग टेक्निक हम लोग लाए थे, जिससे कि इसका वेटिंग टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, उसके प्रायोरिटी को बढ़ाएंगे, फिर अपर लेवल क्यू में ले जाकर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन बिना एजिंग का मल्टी लेवल क्यू में क्या हो रहा था? स्टार्वेशन हो रहा था। किसका? लो प्रायोरिटी प्रोसेस का। कैसा स्टार्वेशन था? वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, उसमें प्रोसेस को स्टार्ट भी नहीं, पहली बार भी सीपीयू देखने के लिए नहीं मिला। मतलब सोचो, तुम्हारे यहाँ आया कुछ, अच्छा डोडो बर्फी एक होता है, कुछ ऐसा मुलायम मुलायम रहता है, सोना बहुत रहेगा, अच्छा रहे, मेरा दोस्त को बहुत अच्छा लगता है। डोडो बर्फी आया तुम्हारे यहाँ, फ्रिज में रखा है। मान लो तुमको कोई ऐसा आदमी रहता है कि शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट क्या करेगा? वो फ्रिज में देखेगा, खाना नहीं है उसको, डॉक्टर मना किया, नहीं खाएगा। एक ऐसा आदमी उसको देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है, बताओ, खाओ भी नहीं रहा है, शुगर पेशेंट भी नहीं खा रहा है, लेकिन एक ऐसा आदमी कि इसको देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। देखो कैमरा वाले भैया डोडा बर्फी के नाम पर हंस रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं डोडा बर्फी कब खाया जाए, कल खाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर प्रोसेसर से मिला ही नहीं, कभी चांस ही नहीं मिला। लेकिन किसमें? मल्टी लेवल क्यू का हम बात कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक क्यू में, ये जो फीडबैक अलग से लगा है, फीडबैक क्यू में कम से कम स्टार्ट तो हुआ। यहां पर देखो, यहां पर कोई प्रोसेस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहां कैसे प्रोसेस आएगा? ऊपर वाले क्यू से ही आ रहा है, नया एरो ऐसे नहीं है ना। अब पहले वाले में क्या था फीडबैक क्यू में? ऐसे भी डायरेक्ट एरो भी था, यहां पर ऐसा नहीं है। तो एक बार कुछ ना कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन का प्रोसेसर उसको चांस देगा। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, किसी और को चांस देगा प्रोसेसर फिर से, और नीचे वाले में आकर, सबसे नीचे आकर FCFS में आकर, अगर छोटा छोटा प्रोसेस आते जा रहा है, शॉर्ट प्रोसेस आ रहा है, शॉर्ट बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ रहा है, एग्जीक्यूट होते रहेगा तो नीचे वाले को स्टार्वेशन हो जाएगा। ये क्या है? मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। तो बोलो इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पर्पस क्या है हम लोग का? क्वेश्चन ही बनना है ना, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो टू है ना, TQ2 है ना। हम एक प्रोसेस लाते हैं, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखते हैं, ठीक, देखना ये सब मिला मत देना सब, ठीक ना, कॉर्नर में लिख रहे हैं, इसीलिए लो ऐसे पार्टीशन कर लिए। ये क्वेश्चन है हम लोग का, इतना में ही क्वेश्चन लिख देंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखना कैसे। एक प्रोसेस है P1
जिसका कि बस टाइम 20 है। बस टाइम कितना है? बस टाइम है 20। देखो प्रोसेस P1 आया तो क्या हुआ, P1 पहले यहां आया था ना, 2 के लिए एग्जीक्यूट किया यहां पर, एक बार 2 के लिए यहां एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस P1। यहां लिख देते हैं ऐसे, P1 कितना 2 के लिए एग्जीक्यूट किया, बचा कितना 20 में से 2 गया तो 18 बचा, फिर यहां 18 लेकर आया, फिर यहां पर भी P1 आया, कितना 18 लेकर आया, लेकिन 5 ही मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो सकता है, तो यहां कितना किया हो, यहां पर टोटल किया 5। ऐसा करते हैं इसको 15 लेते हैं, रीजन क्या है ना 15 लेने का, क्योंकि तो नहीं तो ये FCFS में चला जा रहा है, और FCFS में चला गया तो इसमें टाइम नहीं, वो क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाए इस लेवल में आकर। तो देखो 15 आया, यहाँ 2 है, एग्जीक्यूट हुआ, रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया 18 है, यहाँ पर 5 और एग्जीक्यूट किया तो 18 में से 5 और किया तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग बराबर नहीं नहीं 15 ही लिए है ना, 15 में से 2 किया तो रिमेनिंग हो गया 13, 13 में से 5 किया तो रिमेनिंग हो गया 8। यहाँ पर फिर से P1 आया, कितना एग्जीक्यूट किया, बचा कितना है 8 ही बचा है ना, 8 कर सकता है क्योंकि 12 है, 8 कर सकता है, 8 एग्जीक्यूट करके कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि P1 है प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम 15 है, तो कितना मल्टी लेवल क्यू में जाकर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, कितना में हुआ, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 लेवल में जाकर वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। फिर और क्या पूछेगा, कितना बार इसको ब्रेक करना पड़ा है, ए ब्रेक हुआ है ना, एक से दूसरे लेवल में गया है, ब्रेक हुआ है, इंटरप्ट हुआ है प्रोसेस, इंटरप्ट कितना बार हुआ है, कुछ साउंड आ रहा है माइक वाले भैया, देखिए कुछ साउंड आ रहा है देखिए। तो यहां पर क्या हुआ, एक बार प्रोसेस इंटरप्ट हुआ बर्स्ट टाइम के चलते, जो टाइम क्वांटम बर्स्ट टाइम ज्यादा था इसके टाइम क्वांटम से, तो एक बार इंटरप्ट हुआ ना, तो यहां पर इंटरप्ट हुआ, यहां पर एक इंटरप्ट हुआ, फिर यहां से यहां आया, यहां दूसरा इंटरप्ट हुआ, फिर यहां तो कंप्लीट हो गया है, मतलब इंटरप्ट कितना हुआ, 2 बार ही इंटरप्ट हुआ, मतलब इंटरप्ट है जो 2 टाइम्स हुआ, और कितना क्यू में आया 3 क्यू और 2 इंटरप्ट हुआ प्रोसेस P1 का, बस यही है। ये क्या था, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू।